परिषद के साइज और उसमें शामिल लोगों की बैकग्राउंड को लेकर भी जनता के मन में बहुत से सवाल हैं। आज पेश है जनता का मुकदमा एक ऐसे व्यक्ति पर जो इस सारे घटनाक्रम के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जनता की अदालत में हाजिर हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह पर आरोप है कि इन्होंने सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता किया। कल्याण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी को नाज था अपनी चाल, अपने चरित्र, अपने चेहरे पर। उत्तर प्रदेश में जो कारनामा आपने किया है उससे चाल भी बिगड़ गए हैं, चेहरा और चरित्र भी। अभी तक जो कुछ हमारे बारे में कहा जाता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी गोल के नजदीक तो पहुंचती है, लेकिन जब दो कदम रह जाते हैं तो गोल से पीछे हट जाती है। ये सत्ता की राजनीति करना नहीं जानते। अब की बार हमने कर दिया गोल पार, हो गया चमत्कार, बन गई भाजपा की सरकार, विपक्षियों को मिल रही है जनता की फटकार। लेकिन कल्याण सिंह जी, ये नहीं है कि सरकार बनाने के लिए नाक कटा ली? नाक कट गई है उन लोगों की जिन्होंने के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रोकने की साजिश की थी। वो अपनी अपनी नाक की चिंता करें, हमारी नाक नहीं कटी। नाक उसकी नहीं कटी जिसने दल बदल करवाया? हमने दल बदल नहीं करवाया, दिल बदल हुआ है। 28 मई 1996 को जब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मोस्ट नेता अटल बिहारी वाजपेयी संसद में बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर दूसरी पार्टियों को तोड़कर मुझे सरकार बनाने का मौका मिले तो मैं ऐसी सरकार को मीलों दूर से भी नहीं छूंगा। तो हमने तोड़ा कहाँ है? अब किसी पार्टी के नेताओं के दुर्व्यवहार के कारण से या किसी पार्टी की जनविरोधी नीतियों के कारण से कोई पार्टी टूटती है तो उनकी पार्टियों को इकट्ठा रखने की मेरी जिम्मेदारी कहाँ है? ये वो नेता जाने क्यों टूट रहे हैं। कल्याण सिंह जी, आपने तोड़ा नहीं, आपने सौदेबाजी की है। हमने कोई सौदेबाजी नहीं की। आपने उनको मंत्रालय का लालच दिया? नहीं, लालच न तो उनकी कोई शर्त थी, न कोई मांग थी, और न हमने कोई लालच दिया था। प्रदेश के हित में हमने सभी को सहभागी, सभी को साझेदार बनाया है। ये सच नहीं, आपने इतनी जो जंबो कैबिनेट बनाई है जिसमें 93 मंत्री हैं जिनके बैठने के लिए जगह तक नहीं है, वो आपको मजबूरी में बनानी पड़ी क्योंकि आपने सबको मंत्रालय देने का वायदा किया था? उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल को बड़ा कहने वाले लोग शायद तथ्यों को नहीं जानते। मेरे पास ये रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें 17 राज्यों के मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं। इन राज्यों की जनसंख्या की तुलना कर लो, इन राज्यों के मतदाताओं की संख्या की तुलना कर लो, इन राज्यों के विधायकों की संख्या की तुलना कर लो। ये आंकड़े बोल रहे हैं कि इस हिसाब से उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल इन सब राज्यों की तुलना में आज भी छोटा है, या इससे तो बहुत बहुत बड़े हैं। मुझे लगता है कल्याण सिंह जी, मजबूरी में इतना बड़ा मंत्रिमंडल बनाना पड़ा। नहीं, मजबूरी में नहीं, जरूरी में बनाया है। यह उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है। जितने भी लोग डिफेक्ट होकर के आए दूसरी पार्टियों से, चाहे वो कांग्रेस से आए, चाहे वो जनता दल से आए, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी से आए, यहां तक कि जो इंडिपेंडेंट भी आपके साथ समर्थन देने के लिए शामिल हुए, उन सबको आपने मंत्री बनाया। अचानक रातों रात ऐसी तो क्वालिटी उनमें नहीं पैदा हो गई थी कि वो मंत्री बनने लायक हो जाएं? सरकार बनाने में जिन्होंने सहयोग किया, हमने उनको सरकार चलाने में भी सहभागी बनाया है। जनता ऊब गई 1989 में चुनाव, फिर 1991 में चुनाव, फिर 1993 में चुनाव, फिर 1996 में चुनाव। जनता नहीं चाहती कि बार बार चुनाव हो। कल्याण सिंह जी, आपकी बातों से लग रहा है कि स्थायित्व देने के लिए आप कुछ और MLAs को शामिल करेंगे दूसरी पार्टियों से? मुझे लग रहा है कि आज हमारी 222 की संख्या है, अगली बार जब आपसे भेंट होगी तो 222 से ज्यादा संख्या को लेकर के हम आपको बता पाएंगे। बढ़ गई है संख्या हमारी, तो उतने मंत्री और बढ़ा दिए जाएंगे? ये तो बाद का विषय है, लोग आना चाहते हैं मंत्री बनने के लिए। नहीं नहीं, पहले भी मंत्री बनने की कोई शर्त नहीं थी, आज भी मंत्री बनने की कोई शर्त न उनकी है ना हमारी ओर से स्वीकार की गई है। सबको अच्छी तरह से नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त, जनता दल समाप्त, कांग्रेस प्रसंग खो चुकी है, बसपा अस्ताचल की ओर बढ़ चुकी है,
बस थोड़ा बहुत पांव पीटेगी तो सवा पीटेगी, लेकिन कितने दिन पांव पीट पाएगी? हर एक को उन उनकी पार्टी में उन उनका भविष्य अब उज्ज्वल नजर नहीं आ रहा है। ये भी एक कारण है कि हमारी ओर वो आकर्षित हैं, ये हमारी विश्वसनीयता। कल्याण सिंह जी, एक अखबार ने कमेंट किया है कि भारतीय जनता पार्टी में एक त्रिमूर्ति है, जिसमें अडवाणी जी को उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मा है, और अटल बिहारी वाजपेयी विष्णु, और कल्याण सिंह को उन्होंने महेश शंकर का नाम दिया है। दूसरी पार्टियों को तोड़ने फोड़ने का काम आप कर रहे हैं। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत भी निकला था और विष भी निकला था। शिव ने विषपान कर लिया था इसलिए नीलकंठ कहलाए। मैं कह सकता हूं कि अपनी पार्टी के हित के खातिर, जनता के हित के खातिर, एक बार नहीं सौ सौ बार भी गरल पीना पड़ेगा तो मैं खुशी से पीता रहूंगा, पी जाऊंगा। कल्याण सिंह जी, आपने कहा कि आपके मंत्रिपरिषद में शामिल किसी मंत्री पे यदि अपराध सिद्ध हो गया तो उसे एक घंटे भी मंत्री परिषद से निकाल देंगे आप। अगर उन मंत्रियों को आप हटा देंगे जिनके सहारे आपने बहुमत हासिल किया है, तो फिर आपकी सरकार कैसे बचेगी? चमत्कार से नहीं, चमत्कार में विश्वास नहीं। 21 तारीख को कोई सोच सकता था कि हमको 222 का बहुत मिल जाएगा? स्वयं गवर्नर को भरोसा नहीं था तभी तो टाइम दे दिया। अगर गवर्नर को लग जाता कि ये सिद्ध कर लेंगे तो टाइम थोड़ी देते रमेश भंडारी। वही बहुमत जिनके हो गया चमत्कार, और 222 का बहुमत पाया जो बढ़ने जा रहा है, अभी और बढ़ने वाला है, 222 की संख्या बढ़ेगी। सरकार को कोई खतरा नहीं, बल्कि सरकार में और मजबूती आएगी उससे। कल्याण सिंह जी, इस बात से मजबूती आएगी कि जिस आदमी को जेल में रहने का अनुभव हो उसको आपने जेल मंत्री बना दिया, अच्छा काम करेगा। जिस जेल में क्या क्या कठिनाइयां होती हैं उन कठिनाइयों को अच्छी तरह समझता है, उसे दूर करेगा। जिस आदमी का काम अभी तक सिर्फ किडनैपिंग के प्रोग्राम बनाना था, आपको उन्होंने प्रोग्रामिंग का मिनिस्टर बना दिया। हाँ तो अच्छा है, प्रोग्राम ठीक बनाएगा, अच्छे प्रोग्राम बनाएगा, जनहित के प्रोग्राम बनाएगा। आपकी जो पहचान बनी थी जनता में कि कल्याण सिंह जी गुंडों के खिलाफ लड़ने वाले, कल्याण सिंह जी अपराधियों के खिलाफ लड़ने वाले मुख्यमंत्री हैं, अब आपको नहीं लगता कि वो पहचान दूर हो गई है? ये पहचान और निखर गई है, क्योंकि हमने गुंडों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, और प्रदेश में जितने भी नामी ग्रामी गुंडे थे सबकी सूची तैयार करा ली गई है। इतना ही नहीं, कुछ पुलिस अधिकारी भी, पुलिस कर्मी भी ऐसे थे कि जिनकी गुंडों से, माफियाओं से, बदमाशों से साठगांठ थी, उनकी सूची बन गई है। बहुत से उसमें से हमने सस्पेंड किए हैं, और बहुत सों को महत्वपूर्ण स्थानों से हटा हटा करके महत्वहीन स्थानों पर डाल दिया है, और उनके ऊपर निगरानी की जा रही है। जिन लोगों का माफिया से नाम जोड़ा जाता था वो मंत्री बन जाएंगे तो गुंडागर्दी कैसे दूर होगी? वैसे ही माफियागर्दी खत्म हो गई। अगर आपकी ही बात को सच मान लिया जाए, जो सच नहीं मानता मैं, तो कहां है गुंडागर्दी, कहां है माफियागर्दी? सब अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे लग रहा है जब आप एक जमाने में स्कूल में अध्यापक थे, सबसे जो शैतान लड़का होता है उसको मॉनिटर बना देते हैं, तो आपने भी ढूंढ ढूंढ के इन्हें मॉनिटर बना दिया, मंत्री बना दिया। और इसीलिए अब जनता के हितों के कामों की मॉनिटरिंग भी वो सही तरीके से कर पाएंगे। कल्याण सिंह जी, बदले की भावना पहली बार उस दिन साबित हुई जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपके सहयोगियों ने विरोधियों की पिटाई की, उनको पीट पीट करके विधानसभा से बाहर निकाल दिया। कांग्रेस ने, सपा ने और बसपा ने माइक तोड़ तोड़ करके प्राण घातक हमले किए, जानलेवा हमले किए, निशाने बना बना करके हमले किए, खून बहा लोगों का। बहुत देर तक हमारे पक्ष के विधायक, चूंकि हमने कह दिया था कि अपने को उत्तेजित नहीं होना है, लेकिन जब देखा कि खून बह रहा है, लोग हमारे बेहोश होकर गिरने लगे, तब पर यह दिखाना भी जरूर था कि हमारी अम्मा ने भी दूध पिलाया है हमको। हमको पिटने को पैदा हुए हैं क्या? आगे से छेड़ेंगे नहीं, और हमको छेड़ दिया तो छोड़ेंगे नहीं। ये बदले की भावना नहीं है, ये पौरुष है, ये पराक्रम है। आपने पौरुष और पराक्रम दिखा करके जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत है उनको भी तो धराशायी कर दिया। पिटना थोड़ी हमारा सिद्धांत है, कायरता थोड़ी हमारा सिद्धांत है। हमें कोई मारता है, गोली चलाता है, तो ये सिद्धांत हमारा नहीं है कि उसके हम गुलाब के फूल चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ाएंगे। सिर्फ आपने मात्रा बदल दी, अब तक पिटना आपका सिद्धांत था, पीटना आपका सिद्धांत हो गया। क्यों आए मारपीट करने के लिए विधानसभा या लोकसभा? ये खून बहाने के लिए नहीं है, डिबेट करने के लिए है। उस दिन जो विपक्ष के लोगों ने खून बहाया है, वो लोकतंत्र का खून बहा है, वो संविधान का खून बहा है,
वो संसदीय परंपराओं का खून बहा है और पीड़ा होती है, ये दृश्य नहीं होना चाहिए। जनता ने चुन के इसलिए थोड़े भेजा है कि जाकर के वहां पर माइक तोड़ के हिंसा फैलाई जाए। डिबेट कीजिएगा, वाद विवाद कीजिएगा, जनता की समस्याओं को उठाइएगा, वो दुर्लक्ष हो गया। बस मार पिटाई, ऐसा दृश्य कष्ट होता है, मुझे भी कष्ट होता है, मुझे कोई खुशी नहीं होती। ये बदले की भावना नहीं है, जिस तरह से आपने सरकार संभालते ही बहुमत हासिल करने के बाद में मायावती जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने शुरू कर दिए, आपने उनके खिलाफ जांच शुरू करवा दी है। मैं उन लोगों में से हूँ कि जब ये पाता हूँ कि प्रदेश की गरीब जनता की गाढ़े कमाई के खून पसीने की कमाई का पैसा भ्रष्टाचार के गंदे नाले में जा रहा है जो विकास में लगना चाहिए था, लोग उसे अपने घर ले जा रहे हैं, तो मेरा मन बड़ा धक धक करता है, मेरे मन में एक बगावत पैदा होती है। अब ग्रेटर नोएडा में 700 एकड़ जमीन का भूमियोग बदलने में 500 करोड़ का घपला हुआ है, क्या मैं जांच न कराऊं? सीबीआई को जांच का आदेश दे दिए हैं। ऐसे ही फायर फ्लोट पंप्स हैं, सारा खर्चा मिलाकर के एक पंप की कीमत पड़ती है मात्र 60,000 रुपए, अब वो खरीदा गया है प्रति पंप 2,49,000 रुपए में। फर्म है तमिलनाडु की, फर्म का मालिक है बसपा का वहां का अध्यक्ष, तो क्या केवल इसलिए कि वो बसपा का अध्यक्ष है या मायावती और कांशीराम का अपना आदमी है, इसे भ्रष्टाचार कर रहा है तो करने दिया जाए? उत्तर प्रदेश के 23 कृषि फार्म, 6,930 एकड़ जमीन, आमतौर से एक बीघा जमीन की कीमत आज 50,000 से कम नहीं है, अपने चहेतों को उन्होंने 80 रुपए बीघे के हिसाब से खुर्दबुर्द कर दी। हमने उसके जांच के प्रशासनिक जांच के आदेश दे दिए हैं, क्या बुरा हमने किया है? अम्बेडकर पार्क जो शुरू में मात्र 10 करोड़ की योजना बनी थी, वह शैतान की आंत की तरह से बढ़ता गया 83 करोड़ से ज्यादा का पहुंच गया। लेकिन 6 महीने जब आपके 22 मंत्री उसी सरकार में शामिल थे जिसमें मायावती मुख्यमंत्री थी, तब किसी को कहीं कोई भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दिया, कोई गड़बड़ नहीं हुई? सुनते तो थे लेकिन फाइलें देखने का अधिकार मुझे नहीं था। सत्ता संभालने के बाद एक एक फाइल को जब पन्ने पलट रहा हूं तो हर पन्ने पर भ्रष्टाचार। मन बना लिया है कि भ्रष्टाचार का जो भी मामला आएगा, अभी और आने वाले मामले हैं, हम सबकी जांच कराएंगे। बचपन में कविता पढ़ी थी मैंने कि मैं तो वही खिलौना लूंगा मचल गया दीना का लाल। कल्याण सिंह जी इस बात के लिए मचले हुए हैं कि मुझे तो हर हालत में मुख्यमंत्री बनना है चाहे कुछ हो। मैं इस बात के लिए मचला हुआ हूं कि उत्तर प्रदेश में हर हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। हर शो पर एक आवाज भारी। इंडिया टीवी शो कम, खबर ज्यादा। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप मुझे देख रहे हैं इंडिया टीवी डिजिटल पर। वैसे तो देश के कई हिस्सों में और राज्यों में मॉनसून पहुंच चुका है, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर गर्मी पड़ रही है। बाहर निकलो तो तपती और झुलसती गर्मी और साथ ही कोरोना का डर। ऐसे में घर के अंदर ही एयर कंडीशनर आपको इस गर्मी से राहत देगा और साथ ही सेफ भी रखेगा। लेकिन अगर आपका एसी ही बीमार पड़ जाए तो क्या होगा? तो चलिए आपको समझाते हैं कि बहुत ही आसानी से घर पर ही आप अपने एसी को कैसे क्लीन और हेल्दी रख सकते हैं। रुकिए, साथ ही अपने एसी के बिल को कम कैसे कर सकते हैं इसकी भी टिप्स बता रहे हैं। इस वीडियो को देखिए। एसी के बेहतर इस्तेमाल के लिए समय समय पर फिल्टर बदलते रहें। सबसे ज्यादा जरूरत है कि एसी का फिल्टर बिल्कुल साफ रहना चाहिए। हर हफ्ते फिल्टर की जाली को निकाल कर डिटर्जेंट से साफ करके सुखाएं। एसी के कॉइल वेपोरेटर को टूथब्रश की मदद से साफ करना चाहिए। इस पर ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए, वरना कॉइल खराब हो गई तो कंप्रेसर बेकार हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एसी से साफ हवा का संचालन हो तो समय समय पर एसी के बाहर पड़ी धूल को हटाते रहें। खासकर धूल भरी आंधियों के दिनों में एसी के आसपास की धूल मिट्टी को भी साफ करते रहना चाहिए। एसी के डक्ट्स को हमेशा साफ रखना चाहिए। अगर आपका एसी नियमित तौर पर 10 घंटों से ज्यादा चलता है तो डक्ट्स को समय समय पर क्लीन करते रहना चाहिए, वरना डस्ट जमकर ये खराब हो सकते हैं जिससे एसी की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है।
एसी की गैस पर नजर रखें। ये एसी को लंबे समय तक चलाने के लिए बेहद जरूरी है। कई बार गैस का कम दबाव होने पर भी एसी के कंप्रेसर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो कोशिश करें कि एसी को 24 डिग्री से नीचे ना चलाएं। ज्यादा गर्मी हो तो कुछ देर के लिए पावर चिल मोड का इस्तेमाल करें, अन्यथा एसी को 24 से 25 डिग्री के बीच चलाकर कमरे में एक पंखा चलाया जा सकता है। इससे आपका एसी कम बिजली खाएगा। एसी को कूल मोड की जगह ऑटोमेटिक मोड पर चलाना चाहिए। इससे एसी कमरे की स्थिति के अनुसार मोड और फैन को ऑपरेट करेगा। इससे कमरा जरूरत से ज्यादा ठंडा भी नहीं होगा और बिजली भी बचेगी। याद रहे, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने एसी की लाइफ और हेल्थ दोनों बेहतर कर सकते हैं। तो आपने हमारे इस वीडियो से समझ लिया होगा और जान भी लिया होगा कि घर पर आसानी से एसी को कैसे फिट रखें। इसी तरह की अगर इंफॉर्मेटिव और जानकारी से भरे वीडियोस आपको देखना है तो किसके साथ जुड़े रहेंगे? इंडिया टीवी डिजिटल के साथ। आज फिर होगा मुकाबला इंडिया टीवी पर, देखिए शाम 5 बजे। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत है? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत है? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नीयत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर जनता की अदालत में आपका स्वागत है। जनता की अदालत सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, आपकी भावनाओं का, आपके सम्मान का, आपके अधिकारों का प्रतीक है। जनता की अदालत कोई मिलीजुली कुश्ती नहीं है, ये जन प्रतिनिधियों को जनता के सामने बुलाकर उनके काम के हिसाब किताब लेने का फोरम है। जनता की अदालत में कल्याण सिंह पर आरोप है कि ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हालत के लिए जिम्मेदार हैं। कल्याण सिंह जी, ये तो सही है कि आप राजनीति में आने से पहले एक स्कूल में टीचर थे जी, और आज भी आप अपनी पूरी पार्टी को अपने क्लासरूम की तरह समझते हैं, डंडा लेके खड़े रहते हैं उनके सिर पे। ऐसा नहीं, मैं पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से काम करता हूँ। लेकिन कल्याण सिंह जी, ये भी तो सच है कि जब पार्टी ने आपको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया था जिस चुनाव में, उसमें 220 सीटें जीती थी, जब आपको प्रोजेक्ट किया तो 176 सीटें जीती। पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में किसी व्यक्ति विशेष को मेरी पार्टी ने कभी भी प्रोजेक्ट नहीं किया है। कल्याण सिंह जी, ये तो पब्लिक स्टेटमेंट देने की बात है। नहीं, सच्ची सच्ची बात तो ये है कि कभी नहीं हुआ भारतीय, 91 में हुआ, 93 में हुआ, 96 में हुआ, और हमारे ये परंपरा भी नहीं है। क्या वजह है कि पिछले 3 इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की सीटें 220 से घटकर के 173 रह गई हैं? ये वो उत्तर प्रदेश है कि जहां पर केवल हम एक जमाने में 8 विधायक थे हमारे, आज हम 225 तक की स्ट्रेंथ पर पहुंचे हैं। ये वो उत्तर प्रदेश है कि जब एक बार लोकसभा के चुनावों में दूसरी पार्टी से समझौता हुआ तो केवल 12 सीटें मिली थी जिसमें सिर्फ 8 जीती थी। लेकिन कल्याण सिंह, ये भी तो सही है ना कि अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने सैचुरेशन पॉइंट पर, पीक पर पहुंच गई है। 175 से ज्यादा सीटें आने की तो कोई उम्मीद नहीं। जिस समय पार्लियामेंट में भी 88 सीटें भाजपा जीती थी तो कहने वालों ने कहा था कि अब बीजेपी सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गई। उसके बाद फिर जब 119 जीते तब फिर कहा कि अब 119 जीत गई है, अभी सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गई। अब 161 पर पहुंच गए तो अब कहा जा रहा है कि सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गई। मेरा कहना यह है कि बीजेपी सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं पहुंची है। अब इसको आप प्रगति मानते हैं कि दिल्ली में सरकार बनाने का मौका मिले तो 13 दिन के अंदर सरकार गिर जाए? नहीं, वो तो जब हमारा बहुमत नहीं था सरकार नहीं टिक पाई, ये तो बहुमत का खेल है। कल्याण सिंह जी, भी उदाहरण है जिसमें मैंने सुना है कि आपके बेटे को टिकट देने की कोशिश की गई थी। ये सच है कि मेरे बेटे राजवीर सिंह के नाम की सारे इलाके के लोगों ने पैरवी की थी। स्वयं जब पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर नाम आया तो मैं वो व्यक्ति था जिसने ये कह दिया कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ से राजवीर सिंह चुनाव लड़े। कल कोई छींटाकशी हो सकती है कि कल्याण सिंह ने अपने बेटे को टिकट दिला दिया, और इसमें शक नहीं है कि अगर उसको टिकट हो गया होता
तो जिस दिन नॉमिनेशन वो फाइल करता रिजल्ट उसी दिन जीत का डिक्लेयर भी हो गया होता। कल्याण सिंह जी, लेकिन आपने खुद ही अपने बेटे को डिस्क्वालीफाई कर दिया। किसी का बेटा होना, किसी का भाई होना उसकी क्वालिफिकेशन नहीं बन सकती, लेकिन किसी का बेटा होना, किसी का भाई होना, किसी का भतीजा होना उसकी डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं बनाई जानी चाहिए यदि वो पार्टी का उतना ही स्ट्रांग वर्कर है। कल्याण सिंह जी, एक बचपन में कविता पढ़ी थी मैंने कि मैं तो वही खिलौना लूंगा मचल गया दीना का लाल। कल्याण सिंह जी इस बात के लिए मचले हुए हैं कि मुझे तो हर हालत में मुख्यमंत्री बनना है चाहे कुछ हो। मैं इस बात के लिए मचला हुआ हूं कि उत्तर प्रदेश में हर हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। कैसे सरकार बनेगी आपकी? एक बार राज्यपाल निमंत्रण दे दे, सरकार बना के दिखा देंगे, चला के दिखा देंगे, पूरे 5 साल तक चला के दिखा देंगे। कल्याण सिंह जी, आजकल राजनीति का जो फैशन है वो तो यह है कि जब अपना बहुमत ना हो तो ले दे करके मना लो। सरकार बने या न बने, हम किसी का ईमान खरीद करके सरकार नहीं बनाएंगे, न बने न बनेगी। कल्याण सिंह जी, जनता का आरोप यह है कि आपने थैलियां खोली हुई हैं। हमारे पास थैलियां ही नहीं है, खोलेंगे क्या? हम चंदा कर करके चुनाव लड़ते हैं। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपका जन्मदिन मनाया गया था और उस जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के बड़े धन्ना सेठों ने यह तय किया था कि आपको 11 MLA गिफ्ट किए जाएंगे। मेरी जानकारी में ऐसी कोई गिफ्ट नहीं, जैसे किसी गिफ्ट की जानकारी है आपको? ये जानकारी नहीं है? गिफ्ट मिल गई होती है ना, तो मैं आपको जरूर दिखा देता। ये सच नहीं कि उस दिन कांग्रेस के लोगों से कुछ बात हो गई थी? बड़ा कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। हमने तो ये उनका काम है, गवर्नर साहब ने ये कांग्रेस क्या करती है ये कांग्रेस के लोग तय करेंगे। हमें कोई समर्थन देना चाहेगा तो कर देंगे, दरवाजे बंद कर देंगे, ना 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 तेरा समर्थन नहीं चाहिए, देगा स्वागत करेंगे, लेकिन उनका काम है ये जाने, नहीं देंगे तो भी उनका अधिकार, देंगे तो भी उनका अधिकार। कल्याण सिंह जी, कांग्रेस के नेताओं का इल्जाम ये है कि आप उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके MLA को? हम किसी पार्टी को तोड़ने की कोशिश न करते हैं न कर रहे हैं। अगर किसी की पार्टी अपने खुद के कुछ कारणों से टूटती हो तो वो उसे संभालने की जिम्मेदारी उसका ठेका मेरे पास कहाँ है? मुख्यमंत्री बनने के लिए आप कभी BSP के MLA को तोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी कांग्रेस के MLA को? हमने किसी MLA को तोड़ने की कोशिश नहीं की है, बल्कि सब MLA इन पार्टियों के हमसे जुड़ने के लिए आए हैं, हमने नहीं तोड़ा। और मैंने बता दिया कि कोई विधायक नहीं चाहता किसी पार्टी का कि फिर से इतना जल्दी चुनाव हो। अभी वोट नहीं हुई, कुंवारे के कुंवारे बैठे बेचारे सबके सवाल। आप तो इसको धमकी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी नहीं बनी, तथ्य है ये, धमकी नहीं है ये तथ्य, और ये तथ्य इस तथ्य को हर पार्टी का विधायक जानता है, इसीलिए तो हमसे बात कर रहे हैं, हमसे कौन बात करता, ये तथ्य है, धमकी नहीं, धमकी तो है नहीं, धमकी हम कर रहे हैं। कब तक बातचीत पूरी हो जाएगी इन लोगों से? देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसले का इंतजार कर रहे हैं अभी। कल्याण सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट ये तो तय नहीं करेगा ना कि कांग्रेस और BSP के MLA आपके साथ चले जाएं? नहीं नहीं, वो MLA तय कर रहे हैं, हम क्या तय करेंगे, आ रहे हैं, एक मौका दे दे अपने आवाज आएंगे, लोग तैयार बैठे। लेकिन आपकी जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी तो इच्छा ये है कि आप बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएं। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में मैं अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं और स्पष्ट तौर पर गिनती करके मैं बता चुका हूं कि बसपा के साथ मेल मिलाप करके भाजपा की कितनी भयंकर क्षति हो सकती है। पार्टी को कहीं आपके अंदर शंकर सिंह वाघेला की शक्ल तो नजर नहीं आती, इसलिए डर के आपकी बात मान लेते हैं? जो कोई भी शंकर सिंह जैसे अवसरवादी व्यक्ति के साथ मेरी तुलना करता है तो मैं ये मानता हूं कि अब तक के जीवन भर की मेरी तपस्या का अपमान कर रहा है, सिद्धांतों के प्रति मेरी प्रतिबद्धता का अपमान कर रहा है, पार्टी के प्रति विचारधारा के प्रति मेरी निष्ठा का अपमान कर रहा है। मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, संघ का स्वयंसेवक होने पर मुझे गर्व है, मैंने सिद्धांतवादी राजनीति सीखी है, शंकर सिंह बाघेला जैसे अवसरवादी व्यक्ति के साथ तुलना करने से मेरे मन को मेरी भावना को बहुत पीड़ा पहुंचती है। आपके माध्यम से पूरे देश के सामने हमेशा के लिए सवाल खत्म कर देना चाहता हूं, देख लेना जिस समय मेरी अर्थी उठेगी तो भाजपा के कवल वाले झंडे के अंदर लिपट कर अर्थी उठेगी, उसके बंदे का शंकर सिंह बाघेला वगैरह बनने का कोई सवाल ही पता नहीं। वो कह रहे हैं कि भाजपा में काफी अपमान हो रहा है आपका, उसका बदला लेने के लिए आपको उनके साथ? अच्छा, अपमान हो रहा है मेरा, मैं विधानमंडल का नेता चुना गया, मेरा अपमान है, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, ये मेरा अपमान है? अच्छी परवाह, चाहिए
एक शब्द नहीं बोलेंगे आप के खिलाफ, पर एक ही ऑडियो हर शो पर इनका आवाज भारी। इंडिया टीवी, शोर कम खबर ज्यादा। कोरोना की रिपोर्ट का इंतजार हो या फिर कोरोना ही क्यों ना हो गया हो, हर घर लड़ेगा साथ साथ देगा कोरोना को मात। कैसे? संयम और सावधानी से सुनो। खुद को एक कमरे में अलग कर ले कम से कम 10 दिनों के लिए। सावधान, खुद से इलाज ना करें, डॉक्टर की सलाह लें। घर में सभी नियमित रूप से साबुन से हाथ धोएं। कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में मास्क से नाक और मुंह ढक कर रखें। अगले कुछ दिन बुखार ना उतरे या सांस लेने में तकलीफ हो, डॉक्टर की सलाह पर ही हॉस्पिटल जाएं। संयम और सावधानी की याद रखेंगे ये 5 बातें तो देंगे कोरोना को मात। हर घर ने ठाना है कोरोना को हराना है। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत है? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत है? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा, खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में। न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम खबरें ज्यादा। आज फिर होगा मुकाबला इंडिया टीवी पर, देखिए शाम 5 बजे। मैं सबसे कहता हूं शोर मत मचाओ, खबरें दिखाओ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इंडिया टीवी पर शोर कम खबरें ज्यादा। आज 16 मार्च 2017 है। आई अमरिंदर सिंह टू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। 19 मार्च 2017 मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मार्च 2022 अब की बार किसकी सरकार, देखिए दोपहर 12 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं सबसे कहता हूं इतना मत चिल्लाओ, अपनी नहीं जनता की आवाज उठाओ। जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं तो चिल्लाने की क्या जरूरत। इंडिया टीवी पर शोर कम खबरें ज्यादा। जाइए यहां से, माइक उतारिए, चोरी चाहिए, गेट अप, गेट आउट ऑफ माय शो। एक शब्द नहीं बोलेंगे आप के खिलाफ, पर एक ही ऑडियो या हर शो पर इनका आवाज भारी। इंडिया टीवी, शोर कम खबर ज्यादा। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत है? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत है? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातें। हम हाजिर हैं उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह के साथ जनता के इल्जाम और सवाल। जनता की अदालत में कल्याण सिंह पर इल्जाम है कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए इन्होंने जातिवाद का सहारा लिया। कल्याण सिंह जी, लोगों को लगता है कि अगर आप पिछड़ी जाति के न होते तो शायद भारतीय जनता पार्टी आपको उतना सम्मान न देती जितना सम्मान अभी दिया हुआ है। एक तरह से शोपीस की तरह इस्तेमाल करते हैं आपका वोट लेने के लिए। मैं जातिवादी नहीं, अतिवादी नहीं, ना अति अगड़ावादी हूं, ना अति पिछड़ावादी हूं, ना अति दलितवादी हूं,
न अतिशोषितवादी हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं हिंदुत्ववादी हूं और सिद्धांतवादी राजनीति में विश्वास करता हूं। सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है ये बातें, लेकिन जब प्रैक्टिस होती है तो पता चलता है कि आपने जनता दल से गंगाचरण राजपूत को और कांग्रेस से अशोक यादव को अपनी पार्टी में शामिल किया। हाँ लिया। सिर्फ इसलिए कि वो पिछड़ी जाति के थे? नहीं, इसलिए कि झांसी मंडल भर के लोग आए थे बसों में भर करके कि गंगाचरण राजपूत को लेने से हमारा बुंदेलखंड ठीक हो जाएगा, और लेना कितना अच्छा रहा कि वहाँ हरा करके गंगाचरण राजपूत भी भाजपा का सांसद बनाए और अशोक यादव उस क्षेत्र से जीत के आए कि जहाँ से श्री मुलायम सिंह जीते थे शुकाबाद से। अच्छा निर्णय था और सबकी सहमति से हुआ है, इसलिए नहीं कि ये कोई ये पिछड़े थे इसलिए ले लिए। हमने के एन सिंह को लिया, वो ठाकुर हैं, वो पिछड़े हैं क्या? हमने रामलीला मिश्रा को लिया कांग्रेस के थे, वो तो बैकवाटर नहीं, तो ब्राह्मण है। कल्याण सिंह जी, ये सवाल इसलिए उठता है कि आपने मायावती को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए मुलायम सिंह से भी दोस्ती कर लिया। मेरी मुलायम सिंह से दोस्ती का कोई सवाल नहीं, मुलायम सिंह की और मेरी विचारधारा में, मेरी पार्टी की विचारधारा में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जैसा अंतर है। 1988 में आप और मुलायम सिंह दोनों अमीनाबाद में लस्सी पीने जाया करते थे साथ साथ। नो, लस्सी पीने का तो ना अकेले जाने का मौका मिलता है ना दो दो अकेले जाने का मौका, आप आइएगा तो आप साथ चलेंगे। तो हाल ही के अखबारों में छपी एक रिपोर्ट और है मेरे पास में, जिसमें मुलायम सिंह का बयान है कि भारतीय जनता पार्टी में कल्याण सिंह के लिए कोई जगह नहीं है, आखिर में हमारे साथ ही उन्हें आना होगा। ये हमने पढ़ लिया बयान, आप सहमत हैं इस बयान से? नहीं, हमने ये बयान पढ़ लिया है, न मुलायम सिंह भाजपा में आने वाले हैं और न कल्याण सिंह सपा में जाने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा में काफी अपमान हो रहा है आपका, उसका बदला लेने के लिए आप उनके साथ। अच्छा, अपमान हो रहा है मेरा, मैं विधानमंडल दल का नेता चुना गया, मेरा अपमान है? मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, ये मेरा अपमान है? अच्छी परिभाषा लोगों की, कहां से उनको सपना आ गया? ये अपने संभाल है, वो अपने हम संभाल लेंगे। लेकिन आप ये नहीं मानते कि उत्तर प्रदेश में आज जो पूरी राजनीति है वो जाति के आधार पर चल रही है? पिछले चुनाव में मुझे जो अनुभव हुआ वो ये है कि पूंजीवादियों का पूंजीवाद, समाजवादियों का समाजवाद, साम्यवादियों का साम्यवाद और राष्ट्रवादियों का राष्ट्रवाद, ये गाड़ी की पिछली सीट पर जाकर धकेल कर दिया गया। ड्राइवर की सीट पर बैठ गया जहरीला जातिवाद, उसके हाथ में आ गई गाड़ी की स्टीयरिंग, और उस गाड़ी के कंडक्टर की सीट पर बैठ गया मुस्लिम तुष्टिकरणवाद। इसलिए अच्छा कौन है बुरा कौन है इसकी पहचान खत्म हो गई, गाड़ी गड्ढे में गई है। जो विश्व हिंदू परिषद है उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को पीछे रख दिया, इसलिए इन चुनावों में उनकी बुरे तरह से हार हुई है। ऐसा मैं नहीं मानता, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य पॉलिटिकल प्लैंक हिंदुत्व है, इसे न छोड़ा है न आगे जाकर के छोड़ा जाएगा। देखिए कल्याण सिंह, आपने जो कहा है वो मैंने भी पढ़ लिया है, मैं उसका प्रतिवाद कर रहा हूँ। गिरिराज किशोर की जो मैंने पढ़ लिया है, जो आप पढ़ना चाहते हो मैं पढ़ चुका हूँ इसके लिए, और उसका खंडन करना चाहता हूँ कि बीजेपी ने हिंदुत्व के प्लैंक को नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ेगी। अगर आप भविष्य में जब भी मुख्यमंत्री बनेंगे तो श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण भव्य तरीके से होगा? राम मंदिर के निर्माण के लिए यूपी की सरकार बनाना पर्याप्त नहीं है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार का आना जरूरी है, क्योंकि अब मामला सारा के सारा पूरे अधिग्रहण हो गया, सारी भूमिका वो केंद्र के पास है। पहले तो आप राम के नाम सिर्फ यूपी में सरकार बनाना चाहते थे, अब राम के नाम पर केंद्र में सरकार बनाने की कोशिश हो रही है? हाँ, इसमें 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 कोई संदेह नहीं है, राम को जब हम राष्ट्र के साथ जोड़ के चल रहे हैं तो राम का नाम तो केंद्र की सरकार साहब वैसे जुड़ जाना है। लेकिन राम के नाम पे बनी सरकार तो 13 दिन से ज्यादा नहीं चलती है। नहीं, 13 दिन का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि जो हमने सरकार बनाई थी सबसे बड़ी पार्टी के नाते से बहुमत नहीं जुटा पाए, सरकार गिर गई, उसके उसमें बीच में राम कहां गए? नहीं, इसलिए क्योंकि सेक्युलर फोर्सेस इकट्ठी हो गई और उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों की सरकार नहीं बनने दी। उत्तर प्रदेश में ये नारा लगाया जा रहा है, अगर उनको लगता है कि सेक्युलर फोर्सेस की ही जीत हुई है तो ये सेकुलर फोर्सेस को सरकार बनाने के लिए कौन रोक रहा है? क्यों नहीं इकट्ठा होकर के सेकुलर फोर्सेस उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने लगी? मैंने तो नहीं रोका, मेरी पार्टी तो नहीं रोका है, ये केवल नारा है। ये सब अवसरवादी दल हैं, ये सब सांप्रदायिक दल हैं, ये वोट बैंक की प्रदूषित राजनीति का सहारा लेने वाले दल हैं, जातिवाद की जहरी राजनीति करने वाले दल हैं, इनका सेकुलरिज्म से जनरेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये भी उतना ही बड़ा सच है कि भारतीय जनता पार्टी आज आइसोलेटेड है, अकेली पड़ गई है, कोई दल न उसको समर्थन करने को तैयार है, न कोई आपके साथ टेबल पर बैठ के खाना खाने को तैयार है। आइसोलेटेड आइसोलेटेड तो होंगे ही, हमारी नीति अलग, सिद्धांत अलग, आदर्श अलग, कार्यक्रम अलग, अर्थात हमारी पहचान अलग। लेकिन आपका बस एक ही मुद्दा है, राम भूमि और ये बाबरी मस्जिद, लेकिन ये से तो एकदम साफ साबित होता है कि आपने धर्मत्व का अपनाया है। बाबरी मस्जिद, एक मिनट, जस्ट मिनट, आपके पास क्या ऐसा कोई मुद्दा नहीं है
जिसे आप कह सके हम ये करेंगे जिससे हमारा देश एक अच्छा सुधरे, क्या आपके पास एक ही मुद्दा है? वो एक अकेला वही एक मुद्दा नहीं है, मुद्दे आर्थिक भी हैं, सामाजिक भी हैं। अभी मैंने कहा कि सामाजिक बदलाव के लिए हमने कहा कि हम सबको साझेदारी, सबको न्याय देने के पक्ष में हैं, राजनीति में भी, संगठन में भी, सत्ता में भी देना पड़ेगा। सामाजिक दृष्टि से भी हम बड़े स्पष्ट हैं, आर्थिक दृष्टि से भी, और जहां तक राम जन्मभूमि का है हम हैं प्रतिबद्ध। 6 दिसंबर 1992 को जो विवादित ढांचा गिरा, इस एक्शन को खेद और पश्चाताप न होने को उत्तर प्रदेश की जनता ने तो अप्रूव नहीं किया। किया कैसे नहीं किया? उसके बाद दो चुनाव हुए। हां तो उन दोनों मैंने बता दिया ना, मैंने आपको बता दिया ना, सारा मसला हमारे खिलाफ पोलराइज हो गया, कुछ जातवाद के कारण से वोट दाएं बाएं हुए। 6 दिसंबर की घटना है, उसके बाद आप ये उम्मीद करते हैं कि मुसलमान कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा? दे रहा है ना। आज सही अर्थों में अगर विचार करेगा तो भाजपा ही मुसलमान की दोस्त बनकर काम कर रही है और करेगी, क्योंकि इतना जरूरत हम भेकाते नहीं। हमने कह दिया कि राम जन्मभूमि पे मंदिर बनेगा तो बनेगा, देना दो वोट नहीं। कल्याण सिंह जी, विधानसभा की जब 425 सीटों के लिए आपने टिकट बांटे थे तो कितने मुसलमानों को टिकट दिया था? निकले 3 थे, एक गाड़ा छोड़ के भाग गया, एक का पता नहीं लगा, एक ही लड़ पाया। अब हमारा कसूर इसमें? इससे तो पता चल जाना चाहिए ना कि आपके साथ खड़े होने में थोड़ी तकलीफ होती है उन्हें। तो तकलीफ होती है तो फिर धीरे धीरे उनकी तकलीफ दूर होगी, लेकिन उस तकलीफ को दूर करने के लिए हम अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, तुष्टिकरण की नीति नहीं अपनाएंगे, क्योंकि तुष्टिकरण की नीति और वोट बैंक की राजनीति ये देश के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।